नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। एक तरफ लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और दूसरी तरफ हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीएम बनने के बाद से पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और यहां पर गांव उमरी में 5 एकड़ में बनने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक की सौगात जनता को स्मारक का भूमि पूजन करके उन्होंने दी। सीएम के साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल समेत कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम और पूर्व सीएम ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की और यहां पर सीएम सैनी लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत का दम भरते भी नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएम के इस कार्यक्रम का जेजेपी विरोध करती नजर आई। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भूमि पूजन के कार्यक्रम पर सवाल उठाया और कहा कि संत शिरोमणि जी का 5 एकड़ में भव्य स्मारक मंदिर बनना था, उसकी जल्दबाजी में नींव रखी जा रही है और साथ ही उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि नई सरकार से कहूंगा, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की रिपोर्ट आ चुकी है, नई सरकार से मांग है कि चुनाव आचार संहिता से पहले मुआवजा दिया जाए, अगले 20 घंटों से पहले मुआवजा जारी किया जाए, हमारे किसान जिनको क्षति हुई है उन्हें 2.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा, सरकार से आग्रह करूंगा कि जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किए थे उनको गति से आगे बढ़ाया जाए, पेंशन को लेकर भी सरकार को घेरते हुए नजर आए। और अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष जेजेपी के अचानक उमड़े किसान प्रेम पर सवाल उठा रहा है। आज मैं जब देखता हूं कि हरियाणा के अंदर आज एक तरफा माहौल और जब ये चुनाव रिजल्ट आएंगे, जब 2019 के अंदर जितने वोट मिले थे उससे भी 3 गुना ज्यादा वोट दे करके हमारे 10 के 10 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। मोदी जी ने कहा कि जातियां सब भूल जाओ, 4 जातियां जो उनकी मान्यता उन्होंने दी उसमें एक जाति है गरीब, एक जाति है युवा, एक जाति है नारी, एक जाति है किसान। तो ये जो गरीब है, इस गरीब का वो किसी भी दूसरे प्रकार की जो जातियां हमारे यहां चलती हैं उनको छोड़ करके गरीबों की सेवा, ये हमारा संकल्प है कि हरियाणा के इस प्रगति में सब लोग, क्योंकि ये समय अब है, इस समय में लोकतंत्र का एक यज्ञ, लोकतंत्र का एक उत्सव ये होने वाला है। इस उत्सव में, इस यज्ञ में हम सब अपने अपनी आहुति, अगर पवित्रता से यज्ञ में आहुति डाली जाएगी तो उस यज्ञ का लाभ भी वैसे ही मिलेगा, उसका लाभ भी वैसा ही मिलेगा। तो मित्रों, भाइयों बहनों, आप अपने पवित्र मन से इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें और आने वाले समय में एक अच्छा परिणाम आप निकालें। मेरा नए मुख्यमंत्री से ये आग्रह है, क्योंकि मैक में तो अभी तक किसी को दिए नहीं, तो सारे उन्हीं के पास है, कि इमीडिएटली जैसे हम करते थे गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार, इमीडिएटली कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जितने हमारे फार्मर्स को क्षति हुई थी, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उन्होंने रिपोर्टिंग करी थी, उनको मुआवजा अगले 20 घंटों के अंदर अंदर इश्यू करे, क्योंकि उम्मीद है कि कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आई है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, हमारा वो पीड़ित किसान जिसकी फसल को क्षति हुई उसको फिर 2.5 महीने से ज्यादा का इंतजार करना था। कि हमने जो आखिरी एनडीए की हमारी चर्चा की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये विषय रखा था कि 5100 रुपया पेंशन कर दो, आपके 10 सिटिंग एमपी हैं, हम 10 के 10 सीटों पर आपका साथ देने को तैयार। हमारा एक इशू पूरे घोषणा पत्र का जो हम पूरा नहीं कर पाए, वो हमारी मांग थी, उसको हमने रखा। उस इशू के ऊपर विचार के लिए समय मांगा गया और सुबह मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि सीएम रिजाइन करते हैं तो पूरी कैबिनेट रिजाइन हो जाती। मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन किया, बीजेपी की बैठक हुई, सरकार वो पहले भी अकेले बना सकते थे, अब भी बनाई है।
तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कुछ ही घंटों बाद तारीखों का ऐलान भी शुरू हो जाएगा, यानी ऐलान पूरी तरीके से हो जाएगा। अब ऐसे में तैयारियां क्या कुछ है पक्ष विपक्ष की, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आज जो नए मुख्यमंत्री हरियाणा के बने हैं, उन्होंने कुरुक्षेत्र का दौरा किया और सीएम बनने के बाद पहला दौरा उनका अपना संसदीय क्षेत्र का था। यहां पर उन्होंने जो है सीएम ने संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक की सौगात लोगों को दी, यानी भूमि पूजन उसका किया। और भूमि पूजन पर वहीं जेजेपी सवाल उठा रहा है। जेजेपी का कहना है कि ये बहुत जल्दबाजी में किया गया काम है, क्योंकि 5 एकड़ में ये बनना है, भव्य मंदिर उनका बनना है, स्मारक बनना है, और ऐसे में सरकार जल्दबाजी कर रही है। और वहीं 20 घंटे के अंदर ही किसानों को मुआवजा देने की बात भी जेजेपी द्वारा उठाई जा रही है। अब ऐसे में क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद जब प्रत्याशियों चुनाव की तारीख को ऐलान होगा, तो उससे पहले क्या कुछ तैयारियां पार्टी की हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। यशपाल बत्रा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शैलजा भाटिया जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी है, और साथ ही रविंद्र सिंह ढूल जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यशपाल जी आपसे ही करना चाहूंगे, नए मुख्यमंत्री जब से बने हैं तो आज उनके अपने संसदीय क्षेत्र का पहला यह दौरा था जिसमें उन्होंने स्मारक का भूमि पूजन किया है, जनता के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी जो कुछ समय पहले गठबंधन में थी, अब गठबंधन टूटने के बाद से उसका कहना है कि सरकार जल्दबाजी कर रही है। देखिए, विषय तो आपको पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहला दौरा आप बता रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर किया, मुख्यमंत्री बन गया तो पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री है, अपने क्षेत्र उनका पूरा हरियाणा उनका क्षेत्र बन चुका है आज के समय के अंदर, तो पूरे हरियाणा की वो सोच लेके कार्य करेंगे और सोच लेके काम भी कर रहे हैं। अब रही बात आने वाले इलेक्शनों के, लोकसभा इलेक्शनों की, जैसे हमारे माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था, इस बार अब की बार 400 पार, वो 400 पार के नारे पे हर एक बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता काम कर रहा है और वर्क कर रहा है, चाहे बड़े से बड़ा नेता है चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, और वो काम कर रहे हैं। और इस बार जो मोदी जी ने जो मोदी जी की गारंटी, एक ऐसा शब्द जो चला है, तो जो मोदी जी कहते हैं वो जरूर होता है, तो इस बार वो 400 पार के नारे पे कार्य कर रहे हैं। उसके तरीके से, किस तरीके से वो 400 पार हो सके, हम सब मिलके एक एक कार्यकर्ता उसमें काम कर रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला साहब है वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी कर रही है सरकार, इतनी जल्दी भूमि पूजन नहीं होना था, भव्य मंदिर बनना आराम से करना चाहिए था। 3 दिन पहले तो जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, अगर उनका दबाव हम मान लेते तो जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। आज हम 3 दिन के अंदर सारी चीजों में जल्दबाजी करेंगे, वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर तो पता नहीं कुछ कुछ बोलेंगे, तो विपक्ष के रूप में वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उनका स्वाभाविक है कि वो उनका बनता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें और उन्होंने बोली है, उन्होंने कहा है कि 20 घंटे के अंदर जो है किसानों को मुआवजा दिया जाए जो ओलावृष्टि से फसलें खराब हो रखी है, क्योंकि फिर हमारे किसान भाइयों को जो है 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, तो आप 20 घंटे के अंदर उनको मुआवजा दीजिए। देखिए, कुछ बातें तो मैं तो हमेशा हर चैनल पे जब भी रहता हूँ बोलता हूँ, कोई अच्छी बातें हो तो उनको तो एक्सेप्ट भी करनी चाहिए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हर बात की आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात उन्होंने कही होगी तो चाहे वो डिप्टी सीएम थे तब भी कहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी मानते थे, आज वो डिप्टी सीएम नहीं है, अगर कोई अच्छी बात होगी तो जरूर वो मानी भी जाएगी। अगर वो विपक्ष के रूप में काम करने की कोशिश करेंगे तो मैं तो मानता हूं कि विपक्षियों को तो काम है कुछ ना कुछ बोलना और किस तरीके से कोई ना कोई नेगेटिविटी फैलाना, वो अगर कार्य करेंगे तो उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि वो कार्य नहीं होता। उन्होंने कहा है कि किसानों के संबंध में जो पेंशन की उन्होंने बात कही कि हमारे बीच में जो सलाह मशवरा हुई थी कि 5100 रुपए पेंशन देंगे, उसको भी जल्द से जल्द दिया जाए 20 घंटे के अंदर ही। देखिए, वो इससे 3 दिन पहले क्यों नहीं शुरू करी उन्होंने काम, जब सरकार में नहीं रहे तब से उन्होंने 5100 रुपए की पेंशन का चर्चा शुरू कर दी, लोगों को बखलाने की कोशिश करना शुरू कर दी। क्या लोग समझते नहीं है किस तरीके का प्रेशर ये देते थे और किस तरीके का सरकार में रह के काम किया इन लोगों ने, जितने भी डिपार्टमेंट इनके पास रहे हैं उसके पीछे विषय क्या था और क्या क्या तरीके थे, और वो सारी चीजें जनता को पता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस समय के अंदर वो सारी चीजें सबके सामने आ भी जाएंगी, जो जिस तरीके से कि कांग्रेसों की पेंशन का विषय है इमोशनल टच देना चाहते हैं, वो 3 दिन पहले क्यों नहीं वो बातें करी, उससे पहले जब सरकार में तो तब क्यों नहीं स्टार्ट किया उन्होंने,
कि कौन सा पेंशन होनी चाहिए, जब तो सरकार में थे उनके हाथ में था और वो अच्छे से उठा सकते थे, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाकर उठा सकते थे, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, कैबिनेट के सामने, विधानसभा में अपना विषय रख सकते, तब याद नहीं रहा। आज तीन दिन के अंदर जब से सरकार में नहीं रहे, अभी कौन सोका लोगों को इमोशन टच करने के लिए। ठीक है हमारे साथ शैलजा भाटिया जी बनी हुई। शैलजा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, और तीखे सवाल है कि भाई किसान प्रेम जो अचानक से कहां से उमड़ पड़ा, तीन दिन पहले कहां था ये? शैलजा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही? हाँ जी, मेरे पास पहुंच पा रही है, आपको पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखिए। हाँ हाँ जी, तो तीन चीजें आपने यहाँ पे बताई हैं, एक तो पेंशन का बताया, एक मुआवजा का, और एक मंदिर का जो निर्माण हुआ है। तो मैंने बहुत ही पेशेंटली सारी बात सुनी है यशपाल जी की, तो मैं तो केवल एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि क्या गलत उन्होंने कहा है। अगर इन्होंने इस मुद्दे पे बात की है कि उनको किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, तो इसमें गलत क्या कह दी, या इसमें ऐसी कोई राजनीति रिलेटेड क्या बात कर दी उन्होंने? कोई गलत बात नहीं करी। और जब ओला गिरे थे, जब किसानों का सारा ये फसल खराब हुई थी, उसी वक्त उन्होंने 15 मार्च की डेट दी थी कि 15 मार्च तक मेरे पास सारी की सारी, हमारे जब करनाल की भी मीटिंग हुई थी वहां पे भी उन्होंने क्लियरली सभी जिला अध्यक्षों को पूरे निर्देश दिए थे कि जितने भी जिलों में फसल खराब हुई है मुझे सारी डिटेल चाहिए, क्योंकि इस डिटेल के बाद जो भी उनका मुआवजा बनता है उसको हम इमीडिएटली हम पूरा करेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तीन दिन पहले कहां था ये प्रेम? भाई तीन दिन पहले वो शुरू से, जब 15 मार्च की डेट दी है तो क्या गलत, अगर उन्होंने 15 मार्च आ गई है और अब पता है कि और एक या दो दिन बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो उसमें कहां उन्होंने गलत कह दिया कि इसका इमीडिएटली मुआवजा दीजिए, क्योंकि इसके बाद सबको पता है कि चीजें लटक जाएंगी, उनका मुआवजा नहीं मिलेगा। दूसरी बात हो गई पेंशन की, ये जो पेंशन की बात है हमारे घोषणा पत्र में थी, और ये अगर ये कह रहे हैं कि अभी बात उठाई है तो ये बहुत गलत उठाई है। जब चार साढ़े चार साल तक हमने जो भी अलायंस के साथ हमने गवर्नमेंट चलाई है उसके अंदर हमारी पेंशन हमने 3000 करी, उसके बाद हम हमेशा ये बात रखते आए हैं कि पेंशन हमारे घोषणा पत्र का एक, हमने घोषणा पत्र में डाला हुआ था, तो हमने अपने घोषणा पत्र में जितनी भी और चीजें रखी थी लोगों के लिए वो हमने कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा हमने उनको पूरा किया। केवल एक यही चीज थी जो हम उसको पूरा नहीं कर पाए, ठीक है हम 2000 से उसको 3000 तक किसी तरह ले आए हैं, पर हमने 5000 की 5100 की हमने जो रखी थी इसको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें भी कोई गलत बात नहीं करी उसने, अगर उन्होंने ये अगर पेंशन की बात रखी है। तीसरी बात आ गई जो हमारा जो मंदिर का जो इन्होंने भूमि पूजन किया है, इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूंगी ज्योति जी, इसका भूमि पूजन 9 मार्च को हो गया था। जब 9 मार्च को भूमि पूजन हो गया है तो अचानक इतनी क्या जल्दी उनको आ गई कि आज ही आज दोबारा भूमि पूजन करा दे, इससे क्या वो बताना चाह रहे हैं? तो ये इसमें खाली ये नहीं है कि जल्दबाजी करे, इसमें ये करे जब एक बार भूमि पूजन हो गया है तो दोबारा फटाफट भूमि पूजन करके क्या प्रूफ करना चाह रहे हो जब ऑलरेडी एक चीज हो गई है? तो मेरे हिसाब से तो ये इन्होंने ठीक ही नहीं किया कि इसको आज जाके दोबारा भूमि पूजन आप जो यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जहां तक जेजेपी का सवाल है, हम लोगों को आज चाहे हम लोगों का अलायंस टूटा है, पर जहां तक कार्यकर्ता है हमें पता है अगर हम लोगों के बीच उतरेंगे तो हमने जो 4.5 साल में काम किया है हमारे पास वो काम काफी लेकिन काम लेकिन बत्रा साहब कह रहे हैं बीच में जाएंगे। शैलजा जी सुनिए, तो बत्रा साहब कह रहे हैं कि जो भी विभाग आपके पास थे वो इसका धीरे धीरे खुलासा हो जाएगा, आपने क्या किया उन विभागों के साथ? वो तो खैर वक्त बताएगा क्या क्या खुलासा, यहाँ बैठ के आप जो मर्जी कह दीजिए कि 400 पार जाएंगे या हम पूरा का पूरा देश हमारा हमारे को वोट मतलब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं मानी तो अब आप विरोध करने लग गए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका हम विरोध तो किसी चीज का नहीं किया। आज भी अगर उन्होंने अगर आप आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो विरोध कुछ भी नहीं करे, एक हमने गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि आप जो है जो भी उनका मुआवजा बनता है उसको इमीडिएटली दीजिए नहीं तो ये मामला लटक जाएगा। या हम ये बात कर रहे हैं कि जो पेंशन हमने रखी थी वो पेंशन को कर दीजिए, जब हमने ये बात करी कि ठीक है हम किसी भी लोकसभा सीट पे नहीं लड़ते आप उसके एवज में आप पेंशन कर दीजिए, उसके बाद अगले दिन जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ही ब्रेक आप इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री ने, तो इसमें कहीं पे भी कोई विरोधी वाली बात तो हमने की नहीं, अपनी बात रखी है बड़ी तरीके से बात रखी है। अब अगर नहीं उनको सूट कर रहा तो उन्होंने उस चीज को नहीं माना और उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है बत्रा साहब, उन्होंने सीधे सीधे जवाब दे, उन्होंने तीन सवालों का सीधे सीधे जवाब दे दिया है कि किसी तरीके से हम किसान पेंशन को 3000 तो ले आए, लेकिन यही एक वादा रह गया था जो हमने पूरा नहीं किया 4.5 सालों में। बाकी उन्होंने कहा दूसरी बार आपने क्यों भूमि पूजन किया जब एक बार हो चुका है 9 मार्च को, और वो कह रहे किसानों के लिए तो हम शुरू से लड़ते आए हैं।
लड़ते तो आए हैं किसानों के लिए, जब वो सरकार में थे तब उन्होंने अच्छे से लड़ाई लड़ी होती तो ये बातें मुझे लगता करने की जरूरत ना पड़ रही होती। और चलो एनीवे, सरकार तो किसानों के वैसे से भला करना चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत ऐसे काम किए हैं, और आप जो मुख्यमंत्री आप बीजेपी के हैं या सेंटर के अंदर पीएम साहब बैठे हैं और पूरी कैबिनेट किसानों के हितों के अंदर काम करती है। तो जेजेपी में हमारे दुष्यंत चौटाला जी जब अलायंस में थे, ठीक है उन्होंने जिस तरीके के काम किए हैं कार्य किए हैं वो तो पता ही है, लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इन तीन दिनों के अंदर ही सारी चीजें याद कैसे आ गई, कि कानून सर्वे की पेंशन भी, ये भूमि पूजन भी, या उससे पहले भी, इससे पहले क्यों नहीं याद रही है सारी बातें। कानून सर्वे की पेंशन का जो विषय उन्होंने उठाया है, क्या जिस दिन इन्होंने सरकार के अंदर शामिल हुए थे क्या उस दिन से ये एजेंडा क्यों नहीं रखा गया कि मुझे 5100 रुपए पेंशन करनी है? आज वो 3000 पेंशन हो गई तो क्या 5100 का अगर एजेंडा पहले दिन से रख के चलते शर्तों पे अलायंस करते तो क्या नहीं होता? नहीं, उस समय शर्तें कुछ और थी। आज लोगों को इमोशन टच करना है, लोगों को कुछ बताना है, लोगों को कुछ समझाना है तो आप विषय दूसरा हो गया, क्योंकि इन तीन दिनों के अंदर विषय हो गया। चलो एनीवे, ये तो राज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, राजनीति के अंदर जब आदमी अलायंस में रहता है या फेवर में रहता है तो उसके विषय दूसरे होते हैं, जब वो अगेंस्ट होता है तो दूसरे विषय होते हैं, वो कोई विषय नहीं है। लेकिन जो जनता है वो तो देख रही है। जी आपके पास आऊंगी, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपसे लूंगी जवाब। देखिए जनता ने तो कोई भी हम बीजेपी ने कभी भी किसी भी स्टेट के अंदर, चाहे पंचायत से लेके चाहे लोकसभा तक चाहे विधानसभा के अंदर कभी भी कोई इलेक्शन लड़ा है, जो 2014 पे जो वोट ऑफ परसेंटेज थी हमेशा उससे बढ़के वोट्स मिली हैं। और मैं विपक्षी चैनलों पे रहता हूं तो विपक्ष की सुनता रहता हूं, कभी भाई हम इस बार ये करेंगे, इस बार बीजेपी आएगी नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जनता उनको जवाब देती है माननीय मोदी जी के लिए जिस तरीके के उन्होंने काम किए हैं। जनता चाहे वो धर्म का मामला हो, चाहे वो समाज के हितों के काम हो, चाहे वो किसानों के हितों के काम हो, चाहे देश की डेवलपमेंट के काम हो, तो सारे विषय सारे काम जनता ने देखी है। और जो 400 का नारा मोदी जी की जो इस बार जो गारंटी दी है वो 400 पार जरूर। ठीक है, मद्रा जी आऊंगे आपके पास। रविंद्र साहब हमारे साथ बने हुए, प्रवक्ता कांग्रेस के। रविंद्र जी, ये जो दोनों के बीच में बातें हुई, जेजेपी के बीच में बीजेपी के बीच में, इस चीज से आपको क्या समझ आ रहा है? जिस तरीके से जेजेपी का कहना है कि भाई किसानों का जो मुआवजा है ओलावृष्टि का चाहे जो भी है वो 20 घंटे के अंदर कर दिया जाए क्योंकि कुछ ही घंटों में तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो क्या इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जिसके अंदर इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहा है ताकि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी वोटों को पाटा जा सके और विपक्ष को कमजोर किया जा सके, यही कारण था। इसी कड़ी में सत्ता टूटने, सरकार टूटने के बाद में, गठबंधन टूटने के बाद में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि भाई जेजेपी के सर्वोच्च नेता दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मुख्यमंत्री निवास में मिलने के लिए जाते हैं और आधे पौने घंटे तक लगातार बंद कमरे के अंदर मुलाकात होती है। मुझे समझ में नहीं आता अलायंस टूटने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन जो है आप जाकर के बात कर रहे हैं बंद कमरे में और आप अपना एजेंडा साफ नहीं कर रहे हैं। यार इनका भाषण सुनिए ना, जो इन्होंने स्टेज के ऊपर बोला उसमें कहीं भी किसी भी जगह पे जस्टिफाई नहीं कर पाए, ना तो अपने इस एक्शन को कि हम सत्ता में क्यों आए और ना ही इस एक्शन को कि हम सत्ता से दूर क्यों हुए और ना ही भाजपा का विरोध कर पाए ना ही कुछ और। तो ये तो साझा एजेंडा है, इस एजेंडा के तहत। लेकिन बीजेपी बार बार ये चीज तो कह रही है, बीजेपी बार बार ये चीज तो कह ही रही है कि भाई 2 सीट हमने नहीं दी तो इसलिए गठबंधन टूट गया। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये तो बड़ा सीधी सी बात है। ये जेजेपी को का विरोध करके जेजेपी को तवज्जो देना चाहते हैं, जेजेपी जो है एक लिमिटेड था, एक काम चलाओ सा विरोध करके भाजपा को तवज्जो देने का काम कर रही है। इन बिटवीन दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई हम एक दूसरे के विरोधी है लेकिन है नहीं असलियत में। आज भी काम है इसी तरीके से कर रहे हैं। बीजेपी के किसी चेयरमैन ने रिजाइन किया है क्या इस सरकार के अंदर है? जो एडवोकेट जनरल ऑफिस के अंदर जो इनके अधिवक्ता जेजेपी कोटा से लगे थे उनमें से किसी ने रिजाइन किया है क्या? यदि किया है तो मुझे नाम बताने का काम करें। क्या ये सच्चाई नहीं है कि चेयरमैन अभी भी जो जेजेपी के अभी भी काम कर रहे हैं सरकार के साथ? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी बताती हैं जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन अभी जारी है। हाँ, अलग होने का गठबंधन है, साथ चलने का नहीं है।
लेकिन साथ में साइड बाय साइड जो है चेयरमैन अपनी सरकार की सत्ता का मजा लूट रहे हैं, वहां पे तनख्वाह ले रहे हैं और ऊपर से दुष्यंत जी जो है यहाँ पे बीजेपी का विरोध करने में लगे हैं और बीजेपी बीजेपी का विरोध करने में लगी है। बड़े गजब की राजनीति इनकी। अच्छा, उन्होंने एक चीज और कहा, उन्होंने कहा कि जब उनसे व्हिप पर सवाल पूछा गया कि भाई आपने व्हिप जारी किया था, आपके सांसद फिर आपके जो विधायक थे वो कैसे पहुंचे पांच पांच लोग वहां, तो उन्होंने कहा कि व्हिप तीन तरीके से जारी किया जाता है, अगर कुछ ऐसा होता उल्लंघन होता तो हम कार्रवाई करते, जबकि एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे पार्टी के स्तर पर कार्रवाई करेंगे। व्हिप था ही नहीं, जो नंबर जो थ्री लाइनर व्हिप जो होती है, थ्री लाइनर व्हिप के अंदर आप किसी भी विधायक को वोटिंग से अब्सटेन करने के लिए नहीं कह सकते, आप किसी विधायक को जो है अपनी मनमर्जी की उसके ऊपर वोटिंग करने के लिए कह सकते हैं, यानी कि सत्ता जो आपका विश्वास मत था उसके विरोध में या उसके पक्ष में आप एब्सटेन करने के लिए कह ही नहीं सकते थे। ये व्हिप अपने आप में गैर कानूनी थी, इसी व्हिप ने तो ये दिखाया कि इनका गठबंधन में भी जारी है, ये भी तो जारी नहीं हो सकती थी जो विभिन्न ने जारी की, केवल जनता को दिखाने के लिए टाइम पास किया जा चुका किया गया थी, जारी नहीं होती और जननायक जनता पार्टी इस चीज को जानती है, जानते बूझते भी इस प्रकार का कार्य करना सीधी सी बात लेकिन है। अगर, लेकिन अगर जैसी आप बात कर रहे हैं कि अभी भी मिली जुली मतलब अभी भी इनकी मिलत जुलत है, अगर ऐसी आप बात करें तो उन्होंने आज कहा कि सरकार जल्दीबाजी कर रही है इस स्मारक के भूमि पूजन में, जल्दीबाजी के साथ उन्होंने कहा एक बार हो गया तो दूसरी बार क्यों कर रही है, इस तरीके के सवाल भी तो उठा रही है। आप उनकी भाषा तो सुनिए, उसमें विरोध झलक रहा है कहीं किसी जगह पर, मैं नहीं समझ पाया, मैं बिल्कुल भी उनकी भाषा से दुष्यंत जी की भाषा से विरोध झलक रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता इस चीज को। और मैंने उसी साथ में ये कहा है, ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन में नहीं है, मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, आपने इस्तीफा नहीं दिया, आप तो चलो बाहर हो गए सत्ता से, इनका लाइन टूट गया, आपके जो है लीडर अभी भी जनता जेजेपी के जो है चेयरमैन बने हुए घूम रहे हैं अलग अलग निगमों के अंदर, जो विपक्ष में बैठा है, ऐसा कौन सा वो है भाई गठबंधन टूटा है जो अभी भी गठबंधन में चल रहे हैं, आप मिलजुल रहे हैं आपस में, बातचीत कर रहे हैं, बंद कमरे में आपकी अभी भी मुलाकातें चल रही हैं और इतने प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या दे करके भूले, ये अपने आप जस्टिफाई करें अपने एक्शन को। ठीक ठीक है शैलजा जी, दोनों के सवालों का जवाब दीजिए, दोनों तरफ से अलग अलग तरीके के सवाल दागे गए हैं जी, तो कांग्रेस अभी भी साठ बता रही है। जहाँ तक मुलाकात की बात है, वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, अगर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी हो श्री दुष्यंत चौटाला जी की आज, जो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया वहाँ पे कि शिष्टाचार मुलाकात है, साढ़े चार साल का उन्होंने काम किया है, कार्य किया है आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के साथ, जो अब कार्यकाल जो है जो अभी खत्म हुआ है, तो एक शिष्टाचार मुलाकात के तहत वो उनसे मिलने गए हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात उन्होंने की है। जहां तक इनका एक एलिगेशन है कि ये जी इकट्ठे एक ही अभी अलायंस चल रहा है, सिर्फ लोगों को बेकार धोखा देने वाली बात हो रही है, तो बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि ये इनका एक रिएक्शन है, ये चेयरमैन देखिए अभी मैं यही कह रही हूँ ना कि अभी आपका आप दो चार दिन का समय दीजिए, देखिए चीजें कैसे कैसे आगे टर्न लेती हैं, क्या क्या होता है, इतनी जल्दबाजी में अभी अलायंस टूटे हुए मुश्किल से दो या तीन दिन हुए हैं, तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है, सब कुछ होता है, तो ये हो सकता है दो तीन दिन में सिचुएशन और बदल जाए, तो तब हम बात करेंगे इसके बारे में। पर जहां तक इनका ये जो सोच है या इनका कहना कि ये गठबंधन भी अभी चल रहा है सिर्फ दिखावा है, तो मुझे लगता है ये इनका कहीं ना कहीं से इनका अपना डर है, अपना ये इनसिक्योरिटीज है, जिसकी वजह से ये चीज बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग अब आ गए हैं तो कहीं ना कहीं वोट बैंक इंपैक्ट ना करे, तो लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ ये तो एक ही है, इस वजह से ये चीज इस बात को तो वो कह ही रहे हैं। चाचा जी उस बात को तो वो खुलेआम कह रहे हैं कि वोट बैंक तोड़ने के लिए आए हैं ना, ये इनका ये लोगों को बहलाने वाली बात है जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक, ये बहलाने वाली बात है, ठीक है, ये बहलाने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज को कह के कि अभी जो ये गठबंधन चल रहा है सिर्फ दिखावा हो रहा है। ठीक है बद्रा साहब, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अभी भी साठगांठ चल रही है, अगर तुम्हारा गठबंधन टूट गया तो ये प्रेम मेल मिलाप क्या हो रहा है, जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं उस पर। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बताइए दोबारा बताइए। कांग्रेस अभी भी सवाल उठा रहा है कि अगर आपका गठबंधन टूट गया है, ये अभी भी साठगांठ ही चल रही है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात हो रही है, ये जो आधे आधे एक एक घंटे बातचीत हो रही है, क्या है, क्या इनके सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या विधायक क्या वो माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलते, या जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे नहीं मिलते वो भी फिर इसका मतलब मिले हुए होंगे,
वो भी उस गठबंधन के अंदर शामिल हो रखे होंगे। तो ऐसे तो विषय तो देखिए एक शिष्टाचार भेंट है, विधायक है वो, दुष्यंत विधायक है और किसी से मिल सकते हैं, काम के विषय में किसी से मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा गठबंधन चल रहा है। जब पब्लिकली गठबंधन टूट गया, पब्लिकली सारा काम हो गया, तो उसके बाद कौन सा गठबंधन रह जाता है? जो समाज का गठबंधन ही नहीं रहा, समाज के अंदर सबको दिखाई दे गया। अब ठीक है, कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस तो जिस तरीके से इनको लगता होगा ये जरूर अपना विषय विपक्ष के रूप में रखेंगे। इनके नेता नहीं मिलते हो तो हम ये मान लें कि वो भी इस पार्टी के अंदर आना चाहते हो, तो ये शुरू कर देंगे कहना इन बातों के लिए। अब एक बात दूसरी, ये कह रहे थे कि चेयरमैन है इनके, जो चेयरमैन को हटाया नहीं, ये तो संवैधानिक सारी बातें हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन दिया उस दिन से पूरी कैबिनेट, जो भी सरकार के अंदर जो भी पद थे, पॉलिटिकली पद थे, वो सारे के साथ, एक सेकंड मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, वो सब के सब अंग हो गए। कुछ कुछ आयोग के पद ऐसे होते हैं जिस समय वो ऑर्डर होते हैं उनको पूरे कार्यकाल करना ही पड़ता है, चाहे सरकार रहे चाहे ना रहे। समय की थोड़ा सा मजबूरी है, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चला है बत्रा जी, वापस आऊंगी फिर चर्चा करूंगी आपसे। तो यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में 400 गरीब हिंदुओं को पैसे और खाने का लालच देकर ईसाई बना दिया गया। गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने का यह सिलसिला हमारे देश में सालों से चल रहा है, खासकर कोरोना महामारी के दौरान इसमें काफी तेजी देखी गई। देश के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण की कई बड़ी खबरें आई। बड़ी बात यह है कि महज कुछ पैसे का लालच देकर हमारे हिंदू भाइयों को ईसाई बनाने का ये इंटरनेशनल खेल चल रहा है। एक संगठित गिरोह है जो पूरे भारत में अपने पांव पसार रहा है और इस गिरोह की फंडिंग विदेशों से हो रही है। इस गंभीर मसले पर थोड़ी जानकारी जुटाने पर सबूत भी सामने आ गए। असम के तेजपुर से जर्मनी से चर्च के पादरी को भेजे गए प्रशंसा पत्र से पता चला कि कोरोना महामारी के बीच लाखों रुपए जर्मनी से भारत भेजे गए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं को ईसाई बनाने में किया गया। दोस्तों, ये विदेशी ताकतें जो धर्मांतरण के बल पर हमें कमजोर कर रही हैं, इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन मिशनरियों का असली चेहरा बेनकाब करते हुए नोबल पुरस्कार, जो शांति पुरस्कार दिया जाता है, डस्मन टूटू ने कहा था, जब मिशनरी अफ्रीका आए तो इनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती। मिशनरी ने कहा हम सब प्रार्थना करें, हमने प्रार्थना की और जब आंखें खोली तो पाया कि हमारे हाथ में बाइबल थी और भूमि इनके कब्जे में थी। दोस्तों, हमने सैकड़ों साल की गुलामी झेली है, इसलिए फिर कोई ऐसी गलती ना दोहराएं। सच्चाई तो यह है कि धर्मांतरण होना वास्तव में राष्ट्रांतरण है, यानी राष्ट्र का विभाजन होना है। हल्के में लेने की गलती ना करें, आसपास नजर रखें। धर्मांतरण गिरोह दीमक की तरह देश को खोखला करने की कोशिश में लगा है। आपको बता दें, धार्मिक कार्यक्रमों और जलसों में भी विदेशी पर्यटक के भेष में सनातन के शत्रु मौजूद होते हैं, जो चंद रुपयों का लालच देकर हमारे धर्म और धरती दोनों को कमजोर करने की साजिश में लगे रहते हैं। उपनिषद का कथन है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा लेकर राष्ट्र रक्षा को समर्पित हो जाएं। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आपने लव जिहाद शब्द जरूर सुना होगा। अभी हाल ही में आफताब अमीन नाम के लड़के ने अब
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा को जारी रखेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गई है, अनुसूरा जी, प्रवक्ता इनेलो। ब्रेक पर जाने से पहले बत्रा साहब अपनी बात कह रहे थे, उसको पूरा कीजिए, उसके बाद से राजेंद्र जी आपके पास आऊंगे। रविंद्र जी देखिए, बात हुई चेयरमैन की चल रही थी, मैंने उस विषय में बता दिया था कि सरकार जिस दिन जाती है, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन किया, उस दिन सारी सरकार के अंदर जो संवैधानिक पद थे वो सारे वहीं के वहीं भंग हो गए। लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जिस दिन उनको दिया जाता है वो पूरा कार्यकाल करते हैं। इस तरीके के अगर कोई रह रहे होंगे, चाहे वो चेयरमैन किसी भी पार्टी का होगा, तो वो रहेगा, वो नहीं हट सकता जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता। अब रविंदर डुल जी तो चलो ठीक है, ये कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस का तो अब समय ऐसा रखा है कि वो तो इस तरीके की बातें जरूर करेंगे कि वो ऐसा हो रहा है, वो उसके मिले हुए हैं, वो उससे मिले हुए हैं। चलो ये विषय अलग है, ये विपक्ष की भूमिका है, वो निभाएंगे जरूर अपनी, आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन रविंद्र जी आप अपना जवाब दीजिए, उसके बाद अनु जी के पास जाऊंगे। बीजेपी के इस वर्जन में क्लियर कर दिया है इनका गठबंधन जारी है, नहीं तो इनको कहना ये चाहिए था कि उनको रिजाइन करना बीजेपी के नेताओं का काम है, वो उनको रिजाइन कराएं, वो अभी तक क्यों बैठे हुए उनको समझ में नहीं आता। इनका वर्जन ये होना चाहिए था, इसकी जगह ये उनकी पदों को और पोस्टों को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। मैं बता दूं कि जो चेयरमैन है, कोई भी किसी भी निगम का चेयरमैन, हालांकि सबकी जो है पीरियड प्रिस्क्राइब होता है, लेकिन वो एट द विलिंगनेस ऑफ गवर्नमेंट, एट द विलिंगनेस ऑफ कैबिनेट ही चलते हैं, यानी कि जब चीफ मिनिस्टर चाहेंगे उसी टाइम पे वो खत्म हो जाएंगे। स्पष्ट बात है, चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते कि जब भाजपा आती है तो चीफ मिनिस्टर क्यों चाहेंगे वो वहां से उस पद के ऊपर से उठे। कोई भी संवैधानिक पद में मुख्य सीएम की कैबिनेट ने रिजाइन किया, बिल्कुल ठीक बात है, क्या महाधिवक्ता को बदला गया? नहीं ना, तो वो भी संवैधानिक पद है। ये जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री के जाने के तुरंत बाद में सभी संवैधानिक पदों के ऊपर से रिजाइन माना जाए, एक्सेप्ट फॉर एसपीएससी, कहीं भी किसी भी जगह पे, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन, केवल वही पद रह सकते हैं। बाकी सभी पदों में यदि जरा भी मोरलिटी बाकी है अलायंस टूटने के बाद में, तो या तो उनको रिमूव कर देना चाहिए क्या मुख्यमंत्री, क्या वो, या फिर जो है जेजेपी के लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए। तो जेजेपी के लोग वहां बैठे, अभी तक कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है किसी को भी रिजाइन करने की, ये मैं आपको आधिकारिक सूचना दे रहा हूं, तो क्यों नहीं है ये बताएं। और जब अब भारतीय जनता पार्टी को कोई व्यक्ति रिजाइन करके जाता है, क्या सच्चाई नहीं है कि वो अभी सभी अपने सभी पदों को छोड़ करके जाएगा? क्या कोई विधायक रिजाइन करके जाता है, अपने पद छोड़ के जाता है? जब अलायंस टूट गया तो जेजेपी के लोग जो है वहां पर चेयरमैन के पद पे क्यों बैठे हैं, और भाजपा जेजेपी के उन चेयरमैनों को क्यों डिफेंड कर रही है? इन दो चीजों का उत्तर चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है, इसका सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन अनु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनु जी आपसे सवाल मेरा ये है, आज जो है जेजेपी आप थोड़ा तैयारियों में लग चुकी है, लेकिन इस बीच वो बीजेपी पर बड़े सवाल उठा रही है। उन्होंने 20 घंटे में किसानों के लिए मुआवजा भी मांगा है, जो ओलावृष्टि में फसल खराब हुई है। उन्होंने कहा कि 20 घंटे के अंदर 5100 रुपए पेंशन देने का काम भी करे सरकार, और भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री साहब ने किया था कुरुक्षेत्र में, तो उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि ये इतनी जल्दीबाजी क्यों है। और दूसरी बात, जब उनसे ये पूछा गया व्हीप के बारे में, उनसे सवाल किया गया कि भाई जिन्होंने व्हीप का उल्लंघन किया आपके विधायकों ने, उन पर कार्रवाई कीजिए, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि अगर वो उल्लंघन वास्तव में करते तो उन पर कार्रवाई की जाती है, बल्कि केस उन्होंने कहा है कि अभय चौटाला के खिलाफ दर्ज है। तंग कसा उन्होंने। ज्योति जी मैं असल में हैरान हूँ कि जेजेपी पार्टी को अभी भी इतना सीरियसली लिया ही क्यों जा रहा है। वो एक पार्टी थी जो आगे भविष्य में कभी भी हरियाणा में जिसका कोई अस्तित्व अब रहने वाला है नहीं, और जो लोग लाभ के पदों पे बैठे हैं, चाहे वो चेयरमैनी है या कोई भी पद है, वो भाजपा के हो चुके हैं। इवन भाजपा के जो जूठन थी उसको जेजेपी में शामिल करके टिकटें देने का काम किया गया। असल में क्या था, 2019 में बिल्कुल एक दूसरे का विरोध ये हर जनसभा में हर रैली में करते थे भाजपा और जजपा, लेकिन अंदर खाते सीटें बढ़ी हुई थी जहां भाजपा और जजपा दोनों हार रही थी। मैं फॉर एग्जांपल बरवाड़ा हल्का बताती हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट का, जहां पे भाजपा भी हार रही थी और जजपा भी हार रही थी। तो इन्होंने क्या डीलिंग की थी कि हमें एक दूसरे हलके में आप हल्का कैंडिडेट उतार के भाजपा को जितवा दो और हम आप अपना बीजेपी का बंदा आपको दे देते हैं ताकि बीजेपी और जेजेपी का वोट मिल जाए। तो वो लोग तो थे ही भाजपा के, जो लोग भाजपा में बैठे हैं तो ये तो मतलब खरीदे हुए लोग थे ना,
तो खरीदते हुए लोगों से आप क्या उम्मीद करते हो कि उनका कोई दीन ईमान होगा, वो सरकार के साथ जाए, मतलब अपनी पार्टी के साथ जाएंगे? कोई पार्टी नहीं थी, उनका कोई दीन ईमान नहीं है, वो बिकाऊ लोग थे। जेजेपी ने जब उनको यूज करना था तब यूज किया, अब भाजपा यूज कर रही है, यही उनका मतलब कल्चर है, मैं ये कहूंगी। लेकिन लेकिन अनु जी, वो सब ठीक है, ये चर्चा बहुत हो गई, अब चुनाव पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कुछ ही घंटों बाद अब तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, कब प्रत्याशियों का ऐलान होगा, कब रूपरेखा स्पष्ट होगी, कुछ ही घंटे बाकी हैं। बिल्कुल, जैसे हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है, उसी तरह से इनेलो ने भी अपने सारे हर एक लोकसभा से आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं, 111 के लगभग, नहीं एग्जैक्टली 111 ही हैं हमारे आवेदन जो आए हैं, और जल्दी ही शॉर्ट लिस्ट करके जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, इंडियन नेशनल लोकदल 10 की 10 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने का काम करेगी। ठीक ठीक है जी, अनु जी आऊंगे आपके पास। शैलजा जी, एक तो जो एक बात उन्होंने बड़ी कह दी है अनु जी ने, उसका जवाब दीजिए, और उसके बाद से आपसे भी मेरा वही प्रश्न है कि कुछ ही घंटे रह गए हैं, कब कहां पेच फंस रहा है, कब उम्मीदवारों का ऐलान होगा, कब डिसाइड होगा, क्योंकि दो दिन तीन दिन पहले यही बात आ रही थी कि भाई तीन दिन बाद सब स्पष्ट हो जाएगा, अभी तक कुछ स्पष्ट होता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ जी, तो ज्योति जी, ये जहां तक इलेक्शन का सवाल है, तो हमारी आज भी कल सभी अध्यक्षों को, जितने भी हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, सभी की मीटिंग बुलाई गई थी, सभी की राय जानने की कोशिश की गई है। जैसे हमने पहले भी हमेशा कहते आए हैं, हमारी तैयारी पूरी 10 की 10 लोकसभा सीट पर है, पर अब जो भी पिछले कुछ दिनों में जो भी बदलाव आए हैं, तो उसके तहत हम लोग जितनी भी 10 की 10 लोकसभा है, वहां पे जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में हम उनकी राय ले रहे हैं, और जो भी राय हमारी बनेगी उसके बाद वो राय हमारा, उसके बाद उस राय के बेसिस पे जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी डिसीजन लेगा, हम उसके हिसाब से ही, मेरे हिसाब से तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमारे सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और हम जो भी है उसी हिसाब से आगे तैयारी करेंगे। जहां तक विधायकों का सवाल है, ये जो भी अनु जी ने बोला है, तो इसमें तो देखिए किसी के ऊपर बंदिश नहीं लगा सकते, कब कौन आता है कौन जाता है, तो इसके ऊपर किसी का भी होल्ड चल नहीं सकता। ये जो मर्जी कह ले जी, पहले ये साठगांठ थी बीजेपी की, जेजेपी की, तो उन्होंने जो भी ये साठगांठ के तहत किया, प्लानिंग के तहत किया, तो कहने को तो कुछ भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है, पर ये तो पूरे देश की राजनीति में आप देख रहे हैं कि जहां, मतलब कोई ये तो है नहीं कि कोई अलग से जेजेपी या बीजेपी का ये केस हुआ है, तो जिसका मतलब फ्री विल है कि आप जब चाहें आप किसी के साथ रह सकते हैं, और अगर जाना चाहें तो उसमें किसी का कोई जोर नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, तो ये तो चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए फिर मुद्दे आपके क्या रहने वाले हैं, मुद्दे, मेन मुद्दे बताइए। तो हमारे हमारे हम जो करेंगे, हमने 4.5 साल का जो भी कार्यकाल हमने किया है, चाहे अलायंस में किया है, हमने जितने भी काम किए हैं उसके साथ हम लोगों के बीच में उतरेंगे, जो जो काम हमने किए हैं, और जितने भी हमने पिछले अपने इलेक्शन में जो भी हमने घोषणा पत्र में की थी घोषणाएं, उसमें हमने काफी हद तक काफी चीजों को हम पूरा कर पाए हैं, और कुछ चीजों को हम नहीं भी पूरा कर पाए उसका हमें दुख रहेगा, क्योंकि एक तो कोविड हमारा पड़ गया बीच में, जिसकी वजह से हम काफी चीजें नहीं कर पाए, तो उस चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जहां तक हमारे आने वाले मैनिफेस्टो या जो भी घोषणा पत्र या जो भी मुद्दे आप कहते हैं, तो हमारा जो भी बनेंगे वो हमारा हरियाणा क्षेत्र के विकास को नजर में रखते हुए अभी तक मुद्दे वो तैयार करेंगे, अभी तक मुद्दे वो हो जाएंगे आने वाले दिनों में। अभी तो जो भी हमने कार्यकाल किया है 4.5 साल में, जो भी उपलब्धियां हमारी हैं वो लेके तो हम जनता के बीच जाएंगे ही जाएंगे, और हमारे जो भी आगे मुद्दे हैं, हमारा फोकस डेवलपमेंट पे रहेगा और विकास पे रहेगा, विकास कार्यों पे, और आने वाले भी टाइम में विकास कार्य पे हमारा मेन फोकस रहेगा, और उसी को लेके हम जनता के बीच में उतरेंगे। रविंद्र जी, जैसा कि सभी से मैं प्रश्न कर रही हूँ, कुछ ही घंटे बाकी हैं, कहाँ देरी है, क्यों ऐलान नहीं हो रहा है उम्मीदवारों का, अब तो कुछ घंटों में तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो क्या रूपरेखा है कांग्रेस की? बीजेपी ने तो अपने कम से कम 6 उम्मीदवारों के नाम तो बता दिए, कहाँ देरदार हो रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कौन सा हरियाणा की सभी सीटों के ऊपर उम्मीदवार घोषित करके बैठी है, हमने पंजाब की कुछ सीटों के कर दिए, भाजपा ने एक का भी नहीं किया, तो ये तो नेशनल पार्टी है, सेंट्रल इलेक्शन जो हमारी कमेटी है उसके पास में सारे नाम भेजे जा चुके हैं, पैनल तैयार हो चुका है, उसके ऊपर विचार चल रहा है,
सुना नहीं तो कल या परसों में उनकी घोषणा कर दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मेन मुद्दे पूरी तरह से तैयार है। मेन मुद्दे क्या है, मेन मुद्दे इस बार कांग्रेस की? देखिए मेन जिन पे आपको लगता हो कि ये सरकार फेल रही है, मेन मुद्दा हरियाणा का बिल्कुल सीधा सा है। इनका जो भर्तियों के मामले में इनके झूठे वायदे, इनका भ्रष्टाचार जो है डूबी हुई सरकार है, 100 करोड़ के घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर, फैमिली आईडी के ऊपर जिस तरह लोगों को तंग किया गया, किसानों का मुआवजा लगा लीजिए, उसके साथ में जो है साथ में एमएसपी की बात जो रहती है, किसान आंदोलन वाली जो इश्यूज रहती है उनकी बात होती है, इन सभी मामलों के अंदर जो है कहीं ना कहीं जनता प्रताड़ित है और तंग है, और उसी कारण से जो है कांग्रेस जनता के बीच में जाकर के अपनी मैंडेट ले सीख करने का काम करेगी इन इश्यूज के ऊपर। ठीक ठीक है, बत्रा साहब आपके क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? मुद्दे हमारा क्योंकि विपक्ष तमाम मुद्दे गिना रहा है जिस पर सरकार वो कह रहा है कि फेल है, हम भर्तियों के घोटाले को लेकर के बोलेंगे कि भाई घोटाले नहीं होंगे हमारे सरकार में, तमाम सारे मुद्दे वो बता रहे, तो आपके क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? घोटाले होने हैं, इन्होंने किए हैं या नहीं किए हैं वो विषय तो जनता देखेगी। जनता ने जिसका घोटाला देखा होगा उसको वोट नहीं देगी, जिसका घोटाला देखा या नहीं देखा तो जनता बताएगी आने वाले इलेक्शनों के अंदर या इससे पहले जितने इलेक्शन हुए हैं जनता ने बताया घोटाला किसने किया था और किसने नहीं किया था, ये विषय जनता के ऊपर छोड़ते हैं। अब रही दूसरी बात कि देश के लिए हमारा कौन सा एजेंडा है, हमारा देश का राष्ट्र सेवा का हमारा एजेंडा है। राष्ट्र सेवा के अंदर हर चीज वो आती है जो राष्ट्र के अंदर होती है, हम राष्ट्र सेवा को आगे लेते हैं, राष्ट्र सेवा की वो कार्य को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, चाहे और हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, हिंदुस्तान जिस तरीके से कश्मीर का विषय आपने देखा होगा 2014 से पहले पाकिस्तान रोज मीडिया के अंदर छाया रहता था कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान वैसा कर रहा है, टेररिस्ट आके यहाँ आके क्या क्या करके जाते थे। आज वो पाकिस्तान कहाँ है? 2014 के बाद पाकिस्तान नक्शे से गुम होने की कगार पे आ गए, वर्ल्ड लेवल पे नक्शे में से गुम होने के लेवल पे आ चुका है पाकिस्तान। आज पाकिस्तान का विषय बंद हो चुका है, पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामले नहीं संभाल पा रहा, गुलाम कश्मीर जिसको वो गुलाम कश्मीर बताता है उस कश्मीर को भी वो नहीं संभाल पा रहा, अपना हमारा कश्मीर तो हमारा हो ही चुका है धारा 370 हटते ही, जिस तरीके से धारा 370 हटी, क्या ये 60-70 साल जिसने राज किया है क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा था धारा 370 हटनी चाहिए, राष्ट्र एक होना चाहिए, राष्ट्र का संविधान एक होना चाहिए ना दो होने चाहिए, झंडा एक होना चाहिए झंडे दो नहीं होने चाहिए, विधानसभा के अंदर वहां कार्यकाल अलग था हमारे यहाँ कार्यकाल अलग था, क्या राष्ट्र एक नहीं था? जब हम जम्मू कश्मीर माता वैष्णो के दर्शन करने जाते थे, कई बार मैं भी गया हूं, तो वहां के लोग हमें कहते थे कि ये हिंदुस्तान से आए हुए हैं, बताइए देश एक देश में रह रहे हैं, और वहां पे लोग वो क्या करते थे कि हिंदुस्तान से आए हैं। अभी पीछे जब ये धारा 370 तब मैं एक बार वैष्णो देवी गया घूमने के लिए, माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए, तब वहां पे एक ड्राइवर ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए आज हम अपने घर से कहते हैं, हम अपने देश के अंदर हैं, अपने देश के अंदर चल रहे हैं, वो लोग हमें बाहर का मानते थे आज हिंदुस्तान का मानते हैं, ये कितना गर्व की बात है। हमारा राष्ट्र सेवा का भाव है, राष्ट्र सेवा के भाव से आगे बढ़ेंगे, यही हमारा एक एजेंडा है। ठीक है बत्रा जी, इस बीच इनेलो के प्रवक्ता ने भी एक सवाल दागा था, सवाल क्या दागा था, उन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था ये जिन चेयरमैन वगैरह की बात कर रहे हैं वो अब जेजेपी में जाएंगे ही नहीं, उनको बीजेपी ने खरीद लिया है। ये सारे विषय इनेलो प्रवक्ता चलो बोल रहे हैं लेकिन इनको ये शोभा भी नहीं देती, क्रीम फ्रोत की बातें करता है, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जो जनता को पता है कौन करता है, कौन किस तरीके काम करता है। अगर कोई ऐसी सच्चाई इनको पता है, अगर कोई एविडेंस के साथ इनको कुछ ऐसी विषय पता है, चैनलों पे बैठ के इनको हजारों आदमी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्यों ना हम कोई चीज बिल्कुल लीगल तरीके से क्यों नहीं बात करते, संवैधानिक तरीके से क्यों नहीं बात करते, कोई ऐसे प्रूफ के साथ क्यों नहीं बात करते, शब्दों को निकालने से पहले हजारों आदमी सुनते हैं उनको। इनके पास कोई ऐसा एविडेंस है? क्या उनको खरीद लिया गया है? क्या वो छोड़ेंगे नहीं? क्या वो जाएंगे नहीं? ये तो सबका संवैधानिक अधिकार है, अगर आपके पास ऐसा कुछ है, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, ये इस चैनल से प्रॉमिस कर रहा हूं, तुरंत प्रभाव से जो भी आदमी से इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। ठीक है, ऐसे बातें चैनलों पर बैठ के मैं मानता हूं कि हम लोग प्रवक्ता है, पूरा हरियाणा हमें सुनता है, तो हमें इस तरीके के विषय नहीं बोलने चाहिए। ठीक है अनु जी,
बिना प्रूफ की बात करते हैं कह रही है बीजेपी, बिना प्रूफ के बात करते हैं, संवैधानिक नहीं लगता ये जी। प्रूफ तो पिछले 7-8 साल से जो जिस तरीके से चंदा लिया गया, चाहे वो भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे टीएमसी है, प्रूफ तो आज से पहले उसका भी नहीं था। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला लिया और देश के सामने आया किस तरह से कॉरपोरेट जगत से चंदा लेके, कभी ईडी के दबाव से, कभी चंदा दो धंधा लो जो इनकी नीति है, उस नीति से इन्होंने कॉरपोरेट जगत से अलग अलग पार्टियों ने चंदा लिया, प्रूफ उसका भी नहीं था। राज बदलने दीजिए, बहुत कुछ सामने आएगा। ये जो मेरे प्रवक्ता भाई बैठे हैं, इनके पास राष्ट्रवाद, और वो भी मैं कहूंगी फर्जी राष्ट्रवाद, उसके अलावा कोई बात नहीं है। हर डिबेट में इनको पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये करना होता है, और मतलब जो असलियत है वो ये है कि देश की जमीन इस राज के अंदर चीन ने कब्जाई है, ये असलियत है। हमारे जितने सैनिक बीजेपी के राज में शहीद हुए हैं वो गिनती मैं कहूंगी प्रवक्ता साहब पता करें जाके। और ये जो इनका एक पैटर्न है, इनका एक पैटर्न है संघियों का पैटर्न जिसको मैं कहती हूँ, और बिल्कुल इस लोकसभा चुनाव में हमारी लड़ाई तो इस संघ के खिलाफ है। ये जो यहाँ हरियाणा के अंदर सीन हो रहे हैं ना, मुख्यमंत्री बदल दिया, सरकार बदलाव कर दिए, ये सिर्फ कठपुतलियां बदली जा रही हैं। सरकार हरियाणा की पिछले 10 साल से, 9.5 साल से दिल्ली से चल रही है। हरियाणा का सीएम, इनको सिर्फ कठपुतली चाहिए, हर महकमे में, हर शिक्षण संस्थान में संघ की कठपुतलियां बिठा रखी हैं इन्होंने। संघ पूरे हरियाणा को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये कहते हैं ना बिना खर्ची बिना पर्ची, सिर्फ डी ग्रुप की नौकरियों में ये मानती हूं मैं कि खर्ची शायद नहीं लेते होंगे, पर्ची वहां भी चलती है, बाकी ए बी सी ग्रुप में खूब सूटकेस चलते हैं, स्पोर्ट सूटकेस पकड़े गए हैं। स्टाफ सिलेक्शन तो क्या लगता है, राज बदलेगा इस बार? बिल्कुल बदलेगा राज, बिल्कुल बदलेगा। और ये जब मुस्कुरान है ना, ये जाने वाली है, और देखो इस खुद समय दूर नहीं है, समय दूर नहीं है जी। क्या पूछ रहे हैं आप, बोलिए। देखिए ये राज बदलने के नाम पे खुद भी स्माइल करने लग गए। इनको भी पता है कि देश कहाँ जा रहा है, देश क्या चाहता है, देश की जनता क्या चाहती है। इस देश गर्त में जा रहा है, देश गर्त में जा रहा है। देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा आप लोगों ने चढ़ा दिया है। देश पे 205 लाख करोड़ कर्जा आपने चढ़ा दिया है। क्या किया आपने देश के लिए? बेरोजगारी का स्तर इतना ऊपर आ गया, क्या किया है आपने देश के लिए? इतने क्राइम बढ़ चुके हैं, आपके सांसदों के वीडियो रिलीज हो रहे हैं, आप बोलने लायक हैं? आप कम से कम ऐसा अगर आप कम से कम अपने सांसदों के वायरल वीडियो ही देख लीजिए, महिला सुरक्षा की बात आप करते हैं। इस बार अगर ऐसा लग रहा होगा कि कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गलत आप 3 तलाक की बात करते हैं, आपके सांसदों के वीडियो वायरल होते हैं, आप कुछ तो सोच के बोलिए। देश को गर्त में ले जाने का काम इस मोदी सरकार ने किया है, काम किया है, किसान हो चाहे मजदूर, सरकार इस सरकार में परेशान रहे हैं, छात्र हड़ताल पे हैं, व्यापारियों से आपने तरह तरह के टैक्स ला दिए हैं, और ये जो आप बार बार पाकिस्तान का जिक्र करके आप पाकिस्तान का जिक्र क्यों करते हैं? आप किसी डेवलप्ड कंट्री से क्यों नहीं इंडिया का कंपैरिजन करते? आपको पाकिस्तान ही मिलता है, आप जर्मनी, आप इंग्लैंड, आप अमेरिका से कंपैरिजन क्यों नहीं करते इंडिया का? ले दे के आपको पाकिस्तान याद आता है। हमारी बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, गुस्सा ना होए, आपकी गुस्सा नहीं हो रही इस बार, आपकी बार 400 पार का वो मुझे दिख गया था आपकी स्माइल में। आप ही चाहते हैं इस बार मोदी जी तीसरी बार आए और देश की सेवा करें? नहीं नहीं, देश नहीं चाहता, ये आपके मन का वहम है जो जल्दी ही इस बार देश की जनता निकाल देगी। अनु जी वो आपको कह रहे हैं कि आप भी चाहते हैं इस बार मोदी जी आए? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखो मैं आपको सीधा बताती हूँ, फतेहबाद में जो इनेलो की रैली हुई थी, हमने तीसरे मोर्चे का खुद आह्वान किया था। अरे सुनिए जरा, सुनिए, सुनने की आदत डालिए। फतेहबाद रैली से तीसरे मोर्चे का आह्वान खुद हमारी पार्टी ने किया था, लेकिन वो मैं विपक्ष की कमी मानती हूँ, जो अभी तक असफल है। बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, 35-40% वोट इनके समर्थन में जाता है तो 65% वोट इनके खिलाफ भी जाता है। वो विपक्षी, बड़ी विपक्षी पार्टियों की कमी है, जो इस हालात में भी, देश इन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसके बावजूद विपक्ष को एकत्रित करने में नाकामयाब अगर रहते हैं तो ये पूरी तरह से देश के बड़ी विपक्षी पार्टियों की कमी है। ठीक है अनु जी लौटूंगी आप लोगों के पास, लेकिन शैलजा जी आपसे फाइनल कमेंट भी मेरा ये होगा, क्या लगता है इस बार राज बदलेगा या जेजेपी हरियाणा में कुछ कमाल कर पाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल जी, मैं तो ये कहूंगी कि मैंने अभी
ये अनु जी की भी बात सुनी, यशपाल जी की भी सुनी, तो मुझे ये लगता है कि आप क्या समझते हैं अपने वोटर को, वोटर को आज की डेट में सब समझ है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 2019 में जब हमने जेजेपी ने जब पार्टी का संगठन हुआ था नया, 2019 में पहली बार जब लोकसभा का हमने इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त ना कोई संगठन था ना कुछ, ना उसके बावजूद हमें हरियाणा क्षेत्र के अंदर 5% वोट शेयर मिला, और उसके बाद विधानसभा में हमें 16% वोट शेयर मिला जब हमारा संगठन ही नहीं था। तो ये जो हमें मिला है ये हमारे आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी के इमेज को ध्यान में रखते हुए ये दिया था, एक वोट मिला था। पर अब जो 4.5 साल जो हमने कार्य किए हैं, उस कार्य करने के बाद जब हम लोगों के में जाएंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब हमारा आज की डेट में संगठन भी जो तैयार हो चुका है, तो ये तो वोटर ही आपको बताएगा कि राज बदलेगा या नहीं बदलेगा। यहाँ चैनल पे बैठ के अपनी अपनी बड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, जो कार्य किया वोटर को भी दिखाई देगा, और मुझे पूरी उम्मीद है वोटर सही डिसीजन लेगा, और इस बारे में हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट हैं, और हमारे कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास में जेडीपी के किसी कार्यकर्ता में कोई कमी नहीं है आज की डेट। ठीक ठीक अनु जी, आऊंगी आपके पास आऊंगी। इससे पहले रविंद्र जी से मेरा सवाल है। रविंद्र जी, सवाल वही कि क्या लगता है राज बदलेगा? देखिए, राज बदल चुका है, जिसकी मोहर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदल करके और जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ करके लगा दी है। अपने अपने कपड़े बचाते हुए घूम रहे हैं कि जनता जाकर के इनके कपड़े ना फाड़े, कोई किसी के ऊपर दोषारोपण कर देगा कोई किसी। राज तो बदल चुका है, अब तो सिर्फ उसके ऊपर मोहर लगनी बाकी है। ठीक है बत्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने सुना होगा मुंगेरी लाल के अधीन तक में, वो तो आपने कहावत सुनी होगी, वो देखने में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। देखिए, मैं हमको चाह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के अधीन तक में सब देखते हैं, आप भी देखिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं शैलजा जी की बात से सहमत हूँ, जनता को पता है, जनता देख रही है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया होगा जनता की नजर में है, और जनता चाहेगी कि इस बार कुछ नहीं होना चाहिए तो वही होगा। लेकिन जनता इस बार चाह रही है आपकी बात 400 पार। ठीक है अनु जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगे अब। जी, फाइनल कमेंट में एक बीजेपी और जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो एक मतलब मैं हैरान हूँ किस तरह का ये पवित्र रिश्ता है कि एक तरफ तो गठबंधन तोड़ते हैं और दूसरा डिबेट में एक दूसरे को डिफेंड करते नजर आते हैं। ये बिल्कुल साफ संकेत है कि ये गठबंधन तोड़ा ठगबंधन है, ये पूरी तरह से ठगबंधन है। जनता को बेवकूफ बनाना है, लेकिन जनता सब समझती है कि चैतर पार जमुना पार आपका हो चुका, बहुत हो चुका जनाब आपका। और ये जो 400 पार की बात आप करते हैं, बार बार परसेप्शन नहीं बनते, आप 150 पार करके दिखाना, आप 150 पार करके दिखाना, आपकी दुर्गति करने का काम जनता करेगी। जो हालात है देश के अंदर, देश अनपढ़ों का देश नहीं है, भारत आज एक पढ़ा लिखा देश है, और सब देख रहे हैं जिस तरह से लूट भाजपा ने मचाई है, हर मोर्चे पे भाजपा की सरकार फेल रही है। और इस बार मैं कहती हूँ 150 ही ले लो यार, 400 पार की बात कर रहे हो आप, मैं कह रही हूँ इस बार 150 के आसपास भी आप पहुंच जाओ तो बहुत गनीमत होगी। ठीक है, ये तो जनता ही बताएगी और आने वाला समय ही बताएगी कौन 150 पार जाएगा, कौन 400 पार जाएगा और कौन जमुना पार जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक में, ऐसे में तारीखों के ऐलान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं और अपने अपने दाव हैं। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।